इसराइल ने हमास का सफाया करने के लिए मिसाइल, टैंक, लड़ाकू विमान और आयरन डोम सब उतार दिए हैं। इसराइल पर तो यह भी आरोप लग रहा है कि उसने हड्डियां गला देने वाला फास्फोरस बम भी इस्तेमाल कर लिया है। लेकिन अगर रिपोर्ट्स की माने तो इसराइल ने आखिरकार वो हथियार भी निकाल लिया है जिसकी झलक पिछले साल दुनिया ने देखी थी। इसराइल ने अपना खतरनाक लेजर हथियार भी मैदान में खड़ा कर दिया है। इस खतरनाक हथियार का नाम है आयरन बीम। इसराइल का आयरन बीम 250 रुपए में दुश्मनों के हथियारों को नष्ट कर सकता है। वो कैसे होगा ये हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। दरअसल आयरन बीम दुश्मन की तरफ से आने वाले किसी भी रॉकेट, मोर्टार, ड्रोन और मिसाइल को ढेर कर सकता है। आयरन बीम टारगेट को नष्ट करने के लिए लेजर का प्रयोग करता है। लेजर की ये बीम इतनी खतरनाक होती है कि सिर्फ एक सेकंड में ये टारगेट को जलाकर राख कर देती है। आयरन बीम लगभग वही काम करता है जो आयरन डोम करता है, लेकिन इसे चलाने का खर्च काफी कम होता है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि हमास जो रॉकेट इसराइल पर दागता है वो काफी कम खर्च में तैयार हो जाते हैं। तभी तो हमास एक के बाद एक 5,000 रॉकेट दाग देता है। लेकिन हमास के इन रॉकेट्स को नष्ट करने के लिए इसराइल के करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। इसराइल अभी जिस आयरन डोम का इस्तेमाल कर रहा है उसकी एक मिसाइल की कीमत $60,000 यानी 50 लाख रुपए है। अब आप ही सोचिए कि हमास के हजारों रॉकेट्स को रोकने के लिए आयरन डोम को कितनी मिसाइलें दागनी पड़ती हैं। इसी परेशानी से बचने के लिए इसराइल ने 20 सालों की मेहनत के बाद आयरन बीम बनाया था। अब इसराइल इसी आयरन बीम हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। आयरन बीम को दुश्मन के रॉकेट को नष्ट करने में सिर्फ 250 से 300 रुपए ही लगते हैं। आयरन बीम से जो लेजर निकलती है वो सिर्फ $2 से $3 में ही दुश्मन के रॉकेट और ड्रोन को नष्ट कर देती है। अगर इसराइल आयरन बीम का इस्तेमाल शुरू कर देता है तो दुनिया पहली बार इस हथियार की तबाही देखेगी। आयरन बीम डिफेंस सिस्टम को दुनिया के सबसे एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम में भी गिना जाता है।